सो हेलो एवरीवन, एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ सनी आपके सामने। देखिए, मैं सीसेट के बारे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ हर बार। आज का क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीसेट, और वी आर टारगेटिंग अपना जो 24 का एग्जाम आने वाला है, कि जो 23 में हुआ ना बच्चों के साथ वो 24 में ना हो। इसका मतलब बच्चों को क्या लगा कि ये पेपर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है, हो ही नहीं सकता। बट जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ, आप ही जैसा स्टूडेंट था जिसने बिना डर के इस पेपर को क्रैक किया। कैसे? उसने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे ज़्यादा हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसने पहले उसको क्रैक किया। और इसी वीडियो के साथ आज मैं शुरू करूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीसेट, की सबसे ज़्यादा मेजर टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। मैं एप्टीट्यूड की बात करूँगा आज आपके सामने, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, बिकॉज ये एक मेजर इशू हो चुका है कि ऑलमोस्ट आपका 50% पेपर ना यहीं से आ रहे हैं। जैसे हम बात करो, टोटल 80 क्वेश्चन है, 2.5 है ना, 38 से 40 क्वेश्चन आपके सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आ रहे हैं, जहाँ से भी कोई ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी एक टॉपिक ऐसा है जो 25% सिलेबस पर कुंडली मार के बैठा है, क्योंकि उसका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है। मैं बताऊँगा थोड़ा थोड़ा हल्का, उसको उसकी नॉलेज भी दूंगा कि कैसे उसके अंदर आता क्या क्या है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें, आगे ना प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स मत भूलिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली और भी ऐसी डेडिकेटेड वीडियोस आपको पता चलती रहें, ठीक है। चलिए भाई देखिए, अगर मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड सिलेबस की बात करूँ, दिस आर मेन टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं देखो बता देता हूँ, पहले नंबर सिस्टम है, देन वी हैव एलसीएम एचसीएफ, इनको क्यों पास लिखा हुआ है, भाई बहन की तरह ही हैं, लड़ते भी और रहने भी साथ में, ये बताता हूँ क्यों। देन वी हैव सिंप्लीफिकेशन, देन वी हैव एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, मैंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है, और बताऊंगा भी परसेंटेज के बाद ना दिख रहा हूँ, बट लास्ट वन इज मैंसुरेशन एंड ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा सफिशियंसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। चलिए जी, अब टॉपिक को तो डिस्कस कर लिया भाई, ये टॉपिक्स हैं, बट किन में से कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो पहले मुझे कवर करने चाहिए। कवर सारे ही करने हैं, कवर करने चाहिए का मतलब ये नहीं है कि वो कवर करके बाकी छोड़ दो, नहीं जी, अच्छा स्कोर करना है, बिना डरे पेपर देना है तो करना पड़ेगा, वरना अगर इनमें से कोई 5 टॉपिक करके चले गए, हाँ यार इनमें से मेजर आ रहे हैं, अगर उनमें से ना आए भाई बाकियों में से आ गए, यूपीएससी ने कोई कसम थोड़ी ना खा रखी है कि उसे एक टॉपिक को ही बार बार देना। जैसे मैं बात कर रहा था नंबर सिस्टम की, कि नंबर सिस्टम से 18 से 20 क्वेश्चन थे पिछली बार, तो 80 में से अगर 18-20 क्वेश्चन एक में आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट ये लेके बैठा आपके, 50 नंबर का तो नंबर सिस्टम ही है। बट बच्चों को एक चीज़ नहीं पता, बताओ आप बताओ, कि वो अकेला नंबर सिस्टम से नहीं पूछ रहा, यही बात, यही गलत फहमी है बच्चों की, वो नंबर सिस्टम है एलसीएम एचसीएफ दोनों को मिला के पूछ रहा है इतने क्वेश्चन। अब रीजन क्या इस बात का कि एलसीएम एचसीएफ चलता ही नंबर सिस्टम के साथ है भाई, आपके रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास 4 नंबर दे दिए, 4 बोल दिया रिमाइंडर है, बताओ जी कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस सेम होता है, बताऊंगा, नंबर सिस्टम का लेक्चर आएगा उसके साथ देखिएगा क्वेश्चन में, उसमें चारों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। आपको 3 नंबर दे दिए, बोल दिया कि लार्जेस्ट, तो भैया उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। ये बातें समझिए कि जो क्वेश्चन 18 से 20 आ रहे हैं ना, वो खाली नंबर सिस्टम के नहीं है, वो इन दोनों के मिला के हैं स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात। इसमें एक चीज है प्रोबेबिलिटी, इसमें लिखो आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी लिखो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है ना, इसके बाद वो आता है आपके पास परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपके बन रहे हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से। तो दीज आर 2 मेजर टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किस फॉर्म में आ रहा है, या तो बोर्ड मार्क्स की फॉर्म में पूछ सकता है आपसे, या कोई स्टेटमेंट बेस आ सकता है, समझ आ गई बात। तो मेरे को अभी तक क्या पता चला कि नंबर सिस्टम अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर सिस्टम के साथ एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खाली नंबर सिस्टम, क्योंकि खाली नंबर सिस्टम पढ़ के आप अगर 20 क्वेश्चन आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि नंबर सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चंस में एलसीएम और एचसीएफ का यूज होना ही होना है, ये कन्फर्म है बेटा, समझ आ गई बात।
तो ये चीज जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी बढ़िया मजा आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या मेरे पास, उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ शुरू कैसे करते हैं। देखो ये तो आपको होपफुली समझ आ गया सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या पिटारे में, नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन, और क्या करना है मुझे परसेंटेज, ठीक है, और क्या करना है परसेंटेज, क्योंकि ये दो चैप्टर ना जाना आपके अर्थमेटिक की, क्योंकि जब परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन आप कर लोगे ना उसके बाद आपके कौन कौन से चैप्टर डिपेंडेंट है इस पर ध्यान रखो। मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर डिपेंडेंट है आपके पास, आपके पास डिपेंडेंट है बेटा एजिस, पार्टनरशिप, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम। क्योंकि अगर टाइम एंड वर्क आपने कर लिया ना तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा आपको पाइप एंड सिस्टम को खत्म करने में, समझ आ गई बात। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटली बेस्ड है किसके, आपके परसेंटेज चैप्टर के, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मूले के अप्रोच पे गए तो कहीं ना कहीं मार खाओगे, एक आधे 10-20 में से एक आधे क्वेश्चन में फॉर्मूला चलेगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि बेटा हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगा लें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इज दैट क्लियर, बता दिया। उसके बाद देखो डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन आप सिर्फ और सिर्फ जब कर पाओगे जब रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज के आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, बिना उसके आप डीआई नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि डीआई में क्या आती है आपके पास, कैलकुलेशन, डीआई में क्या आती है आपके पास, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए क्या चाहिए मुझे, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। देन उसके बाद आता है आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के दो पार्ट है मेरे पास, एक है मेरे पास टू डायमेंशनल जिसमें एरिया की बात होती है, एक है मेरे पास थ्री डायमेंशन जिसमें वॉल्यूम की बात होती है, ठीक है। तो यहां से भी एक से दो क्वेश्चन आपका कम से कम हर बार बनी रहे, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बेसिकली जो, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से हालिया में क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहा पूछा गया, पिछली बार भी कंपाउंड इंटरेस्ट का था, क्लियर। नेक्स्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन, देखो मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन है, क्लियर, और एलिगेशन क्या है, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे जरूर इसको एक चैप्टर समझते हैं बट एलिगेशन का यूज हम कहां कर सकते हैं, एलिगेशन का चैप्टर का, सॉरी एलिगेशन कॉन्सेप्ट का यूज हम किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं जहां चाहो। सो समझ आई, बचा कौन सा चैप्टर मेरे पास, डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी क्या है आपको पता है, आपको दो तीन स्टेटमेंट दे दी गई डेटा सफिशिएंसी में, बेसिकली क्या आपको दो तीन स्टेटमेंट्स दे दी गई, उसके बाद उसने क्या बोला, मैं उसने एक प्रॉब्लम दे दी आपको, एग्जामिनर विल आस्क क्या ये दो इक्वेशन या दो स्टेटमेंट्स काफी हैं इसको आंसर करने के लिए। अब डेटा सफिशिएंसी हमेशा चैप्टर बेस्ड होती है, ध्यान रखना ये हमेशा क्या होगी, चैप्टर बेस्ड। जैसे स्टेटमेंट वन में लेंथ दे दी, स्टेटमेंट टू में मुझे ब्रेथ दे दी, और स्टेटमेंट में क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसकी, आप कहोगे नहीं बिकॉज मुझे इसकी हाइट भी चाहिए, एरिया पूछेगा तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। सो दीज आर मेजर टॉपिक्स जो करने ही करने हैं। मैंने क्या बताया आपको शुरू में, भैया नंबर सिस्टम एलसीएम में सिर्फ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एवरेज रह गया, एवरेज भी आपका परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल ही, बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं आपके अलग अलग बहुत सारे, और नंबर सिस्टम की बात करें रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फाइंड द यूनिट डिजिट, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको साइक्लिसिटी का पता होना चाहिए, रिमाइंडर भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी जब आप अच्छे से इसको पढ़ोगे। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और एप्टीट्यूड का डाउट दिमाग से निकला होगा कि कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। मैं अगर बेसिकली बोलूँ अर्थमेटिक को कवर करने के लिए पहले रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज को डेडिकेटली अच्छे से कीजिए, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा आपका, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब आप देखोगे ना और एक्स वाई वाले तरीके भाई अपनाने नहीं हमने, समझ आ गई बात, जो एक्स वाई वाले तरीके हमने बिल्कुल नहीं अपनाने, हमने एक डेडिकेटेड अप्रोच पे चलना है कि भैया हमने कर, दैट्स इट, इज दैट क्लियर। सो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है, बिकॉज मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया अलग समझाने की बेटा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरीके से हमें अप्रोच करनी है, इज दैट क्लियर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में, प्लीज़ उसके अगर वो वीडियो को चाहते हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, थैंक यू।